हिमाचल प्रदेश के डेजिनेटेड सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि 27 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा 10 राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। ठाकुर ने कहा कि सरकार को चलाने का जो भी सुझाव होगा वे उन्हें दें और जहां उन्हें लगता है कि गलत हो रहा है वे उनके सामने रखें। उन्होंने ये सारी बातें पत्रकार वार्ता के दौरान कही। ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार में पुराने व नए चेहरे होंगे और इनका सबका समावेश होगा। मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में कानून व्यवस्था सबसे ऊपर होगी, साथ ही हिमाचल में केंद्र की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा और पूर्व सरकार ने जो अनियमितताएं बरती हैं उन अनियमितताओं को हटाते हुए सभी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि जो रिटायर्ड कर्मचारी सरकार में है उसे लेकर 27 के ही फैसला लिया जाएगा, लेकिन ये तय है कि सरकार द्वारा रिटायर्ड को फिर से सेवा में रखने के कल्चर को प्रमोट नहीं किया जाएगा। वहीं ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र ने नए नेशनल हाईवे दिए हैं और ये पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ाने का जितना काम होना चाहिए वे नहीं हो पाया है, साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी जल्द ही नए कदम उठाए जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि पर्वतीय राज्यों की समस्याओं के समाधान के लिए सांझे रूप से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर को कम करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आर्थिक संकट है और इसे ठीक करने के लिए कई कदम उठाने की आवश्यकता है। ठाकुर ने कहा कि निगम बोर्ड में ज्यादा भार नहीं बढ़ेगा और आने वाले वक्त में इसका असर भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के अंतिम 3 माह के सभी फैसलों पर नई सरकार विचार करेगी। मंत्रिमंडल के गठन के बाद प्रशासनिक फेरबदल भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला का जो मौजूदा स्वरूप है उसे ही बनाए रखा जाएगा। की ओर से सौंपी गई है, उनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर जो है निश्चित रूप से हम बात करेंगे और कार्यवाही जो करने की होगी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बदले की भावना से काम करने की मंशा नहीं होगी, वो बिल्कुल नहीं होगी। बात को लेकर के हमारे पार्टी के नेता कहते रहे हैं इस विषय को लेकर कम कायम है कि भाई हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो हिमालय में पूरी रेंज है, इसके हिमालयन रेंज के साथ साथ जो हिमालय दूर प्राधिकरण का जिक्र कर रहे हैं उससे बेहतर ढंग से हम पूरे इस इलाके को इस क्षेत्र के लिए हम सांझे रूप में काम कर सकते हैं। जब एक विषय में हम कोशिश करके बात करेंगे वो मुझे लगता है कि उस तरह से वो समाधान नहीं है। उसमें जो कदम, हाँ जी, जनता सारी स्थिति के बारे में आज की इस युग में मुझे लगता है कि जनता नहीं जानती है, ऐसा तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कदम क्या उठाए जा सकते हैं उसको बेहतर करने की दृष्टि से काम करने की आवश्यकता वो है। क्या केंद्र में डेपुटेशन पे गए, आइए सबसे बात बुलाएंगे आप। नहीं सर, इस सवाल को आप इस रूप में लीजिए कि अभी जो आपकी सरकार होगी तो जैसा बाकी प्रदेशों में भी हुआ है तो आप नए चेहरों के साथ काम करना चाहेंगे या अनुभव को प्राथमिकता देंगे वो, या दोनों मिला जुला? जो भी निश्चित रूप से अनुभव की भी जरूरत है सरकार चलाने के लिए और उसके साथ साथ में नयापन भी, ये दोनों चीजों का समावेश सरकार में देखेंगे। नेशनल हाईवे 4 लेन और उसके साथ साथ में नई जो कनेक्टिविटी की दृष्टि से कुछ कदम उठाए हैं जो प्रोजेक्ट हमारे सैंक्शन किए हैं वो पर्यटन को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और उस दृष्टि से मेरा ये मानना है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमको पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से करने की आवश्यकता है उसको मजबूत करने के लिए हम निश्चित रूप से काम करेंगे। लेकिन अभी तक जितना स्कोप, जितना हमारे पास गुंजाइश हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने की दृष्टि से है उस फील्ड में अभी जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं, उसको आगे बढ़ाने की हमारी मन चाहिए। निश्चित रूप से जो आपका ये सुझाव है, जो आपने जो इस बात का जिक्र किया पर्वतीय राज्य के रूप में, हिमाचल निश्चित रूप से पर्वतीय राज्य है और डॉ वाई एस परमार की सोच को उसको भी आगे बढ़ाने की दृष्टि से जो काम करने के होंगे वो निश्चित रूप से। सर आपकी प्राथमिकताएं क्या रही? आप कह करके उन सारी बातों को दिल में नहीं रख करके जो है हम आगे बढ़ने के रास्ते में जो है
प्रशस्त करें, उस रास्ते को प्रशस्त करें। उस दृष्टि से आप सबके जो है हमेशा सुझाव आमंत्रित रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं, पूरा विश्वास करता हूं कि इस प्रदेश को जो आगे बढ़ाने में आप सबका बहुत बड़ा एक रचनात्मक सहयोग रहता है, वो सहयोग आने वाले समय में जो हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में 27 तारीख के बाद जब सत्ता हासिल करने के पश्चात काम शुरू करेगी, उसमें भी निश्चित रूप से आप सबका मिलता रहेगा। तो आज की इस पत्रकार वार्ता में तो प्रमुख रूप से मुझे तो अपनी बात को लेकर के सिर्फ यही बातें कहनी थी, उसके बाद कुछ बातें आपकी तरफ से होंगी, कुछ उनका आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन सब बातों का जिक्र मत करना। देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था के मसले को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आम जनता के दिमाग में खड़ा है, दिल दिमाग में। उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, उसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो कदम उठाएंगे। और उसके साथ साथ में जो एक आप ये भी बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में प्राथमिकताओं की दृष्टि से, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र की जो योजनाएं जितनी मिलती हैं, जो योजनाएं जितनी हमको मिली हुई हैं, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से हिमाचल प्रदेश में लागू करना। पूर्व में जो सरकार रही उस सरकार की नियत में हमको ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें रुचि नहीं दिखाई और उन सारी बातों को लेकर के हिमाचल प्रदेश को जितना लाभ जो है वो 3-3.5 साल के इस कार्यकाल में केंद्र सरकार की जो हुई है उसमें जो लाभ लिया जा सकता था उसमें हम कहीं न कहीं चुके हैं। और आज की तारीख में जो ये सरकार हमारे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनी है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि खुले मन से सहयोग होगा और केंद्र की योजनाएं जिनको प्रभावी ढंग से लागू करने में कोताही हुई है उनको बिल्कुल प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। जहां हम और आप सब लोग जो है अपनी बातों को थोड़ा साझा करें और आने वाले समय में ये दौर जो है वो दोनों तरफ के सहयोग की दृष्टि से आगे बढ़ता रहे, उस दृष्टि से हमने कहा चाय पर हम आप सब लोगों के साथ थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। मित्रों, मैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि बहुत जोरदार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा के चुनाव में प्राप्त हुआ और ये जो जनमत भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में इस विधानसभा के चुनाव में हासिल हुआ है, इसका श्रेय हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, पार्टी के हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को और हिमाचल प्रदेश के हमारे पार्टी के प्रभारी जो बिहार सरकार में जिनके पास स्वास्थ्य का मंत्रालय भी है, जिन्होंने अपना बिहार का उस विभाग का कामकाज भी थोड़ी देर के लिए यहीं से संचालित किया, वो लंबे समय तक हमारे साथ में रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी का संगठन, हमारी पार्टी का नेतृत्व, पार्टी के अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, श्री शांता कुमार जी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, इन सबको जहां मैं धन्यवाद करता हूं कि इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में सत्ता में लाने के लिए रहा है। जो उम्मीदें उनकी हैं, जो अपेक्षाएं उनकी हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार के स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों के साथ आज की इस चाय पर मिलने का एक विषय और मेरे दिमाग में रहा कि पिछले कल विधायक दल के नेता चुनने के पश्चात मैं सामूहिक रूप से आपको 27 तारीख को जो हमारा यहां पर शिमला के रीज के मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है
उसमें निमंत्रण आपको मैं सांझे रूप में यहां पर दे सकूं, उस दृष्टि से भी मुझे अपनी बात कहनी है। आप सब आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी इस शपथ ग्रहण समारोह में रहने वाले हैं, और उनके साथ साथ में बहुत सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में यहां पर रहने वाले हैं। बाकी बातों को लेकर के हम आने वाले समय में बहुत हमारे दौर ऐसे होंगे मुलाकात के, वो हम करते रहेंगे। आप सबके सहयोग कि मैं आने वाले समय में भी उम्मीद करता हूं, जो विधानसभा के चुनाव के दिनों में भी आप सबका सहयोग मिला, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं आप सबका। और आने वाले समय में सरकार के संचालन में जो भी महत्वपूर्ण सुझाव होंगे इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, जहां आपको ठीक लगे वहां ठीक लिखिए, जहां आपको लगे कि भाई यहां कुछ कहना, जो वर्तमान में जो पीछे निवर्तमान में जो सरकार जो थी कांग्रेस पार्टी के पीछे, उस सरकार का जिस प्रकार से रिसोर्सेज के बारे में चिंतन नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद जो है वीआईपी कल्चर और अंधाधुंध खर्चा, बजट प्रोविजन के बिना संस्थान खोलना, इन सारी चीजों को लेकर के जो है वो जिस प्रकार से तहस नहस अर्थव्यवस्था की गई है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए निश्चित रूप से जो कदम उठाने की दृष्टि से बातें होंगी उन पर वो हम काम करेंगे। रिटायर्ड हैं, एक्सटेंशन पर हैं, उनके बारे में मैं 27 तारीख को ही निर्णय लूंगा, लेकिन ये बात आप मान करके चलिए कि रिटायर्ड और टायर्ड अधिकारी जो है वो नहीं चल पाए। सर, क्या गुड़िया को इंसाफ मिलेगा जो कि भाजपा का पहला बिंदु था? बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मुद्दा है। गुड़िया जो घटना, ये जो हुआ, जो हिमाचल प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है, पूरे देश में दुनिया में जाना जाता है, इससे शर्मसार हुआ है, और इसमें बहुत ज्यादा कहने की गुंजाइश आज की तारीख में नहीं, क्योंकि जांच इसमें चल रही है, लेकिन जांच में पूर्व सरकार में सहयोग नहीं दिया, ऐसी बातों को लेकर के जरूर हम विचार करेंगे। अगर सहयोग नहीं दिया तो कौन लोग हैं, क्या वजह है, और उसके साथ साथ में हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद तुरंत जो है पूरा सहयोग करेगी, और जो भी कार्यवाही कठोर से कठोर कार्यवाही उस दृष्टि से करने की कानून के आती है उसके लिए आग्रह करेगी। वहीं अनिल शर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल होने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा पर व्यक्तिगत आरोप कोई नहीं लगा है, इसलिए इस पर भी विचार किया जाएगा। अनिल शर्मा के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से इस पर कोई आरोप नहीं। ठीक, थैंक यू।